गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जो पाठ है उसका हम लोग प्रश्नोत्तर पढ़ रहे थे या प्रश्नोत्तर की बात कर रहे थे। ये एक एकांकी है। कुछ प्रश्नों के बारे में हमने बात कर लिया था, प्रश्न संख्या 5 तक हमने कर लिया था। अभी हम लोग उसके आगे करेंगे जो प्रश्न संख्या 6 है। वो है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है का मतलब हुआ कि कैसे लोग समाज को चाहिए, समाज के उत्थान में कैसे लोग अपना योगदान दे सकते हैं या किससे समाज का भला हो सकता है। तो वो शंकर जैसा लड़का चाहिए या उमा जैसी लड़कियां इसमें अपना योगदान बेहतर दे सकती हैं, इस पर आपको तर्क सहित उत्तर देना है। तो जैसा आपने इस एकांकी में पढ़ा, आपकी समझ में बात आई होगी कि शंकर जो था उसके बारे में कहा गया कि वो एक बोनलेस यानी बिना रीढ़ की हड्डी वाला लड़का है। कहने का अर्थ यह कि उसका अपना कोई सिद्धांत नहीं है, कोई उसूल नहीं है, वो अपनी सोच को सामने नहीं रख पाता है, वह अपने पिता की छाया में जी रहा है। उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए भी उसकी अपनी कोई सोच नहीं है, अपना कोई विचार नहीं है। चरित्र के स्तर पर अगर देखें तो इसमें कहा गया कि वो लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक करते हुए पकड़ा जाता है और वहाँ अपनी जान बचाने के लिए या अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए वो नौकरानी के पैरों पर गिर जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि वो एक समाज के लिए वो अच्छा नहीं हो सकता है। तो समाज को क्या चाहिए? समाज को उमा जैसी स्पष्टवादिनी, उच्च विचारों वाली लड़की चाहिए जिसमें यह हिम्मत हो कि वह गलत बातों का विरोध कर सके और सही का साथ दे सके। इसके लिए हिम्मत होना ज़रूरी है। तो समाज को निश्चित रूप से उमा जैसी लड़की की ज़रूरत है, उमा जैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है, तभी समाज का उत्थान होगा। ऐसी जो लड़कियां होंगी या ऐसे व्यक्तित्व ही, गोपाल प्रसाद जैसे जो दकियानुसी लोग हैं जो समाज को वैसा ही बनाए रखना चाहते हैं जैसा बहुत दिनों से चला आ रहा है, उसमें जो बुराइयां हैं उसको बनाए रखना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को मुँह तोड़ जवाब देने या ऐसे लोगों के विचारों का अंत करने के लिए हमें ऐसे व्यक्तित्व की ही ज़रूरत है। तो यही चीज़ें आपको इसमें अपने शब्दों में लिखनी है कि हमें उमा जैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है, क्योंकि वह एक पढ़ी लिखी लड़की थी और उसमें यह हिम्मत थी कि वह समाज की या किसी के भी अन्याय का, समाज की बुराइयों का विरोध कर सके, खुलकर विरोध कर सके बिना किसी भय के और स्पष्ट रूप से अपनी बातें रख सके। तो यही इसमें है कि हमें उमा जैसी व्यक्तित्व की ज़रूरत है। अब है रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यह जो एकांकी है इसका जो मूल भाव है, केंद्रीय भाव है, वह यही है कि मनुष्य को के भीतर अपने विचार होने जरूरी हैं और उनको वह व्यक्त कर सके। तो इसके लिए रीढ़ की हड्डी का होना बेहद ज़रूरी है। रीढ़ की हड्डी होने से पहले मतलब यह है कि रीढ़ की हड्डी कई जो कशेरुक होते हैं जिसको रिंग्स जैसे जैसी आकृतियां होती हैं उनसे बनी होती है। तो रीढ़ की हड्डी का काम है शरीर को सीधा भी रखना, ज़रूरत पड़ने पर ऐसे झुकाना भी। अगर रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो आप अगर किसी तरह से सीधे हैं भी तो टेढ़े होंगे तो गिर जाएंगे। वो आपको स्प्रिंग की तरह सपोर्ट देता है जिससे कि आप झुक पाते हैं, उठ पाते हैं, ज़रूरत के हिसाब से आप झुकते उठते रह सकते हैं, आपको हर तरह से वो मदद करता है। तो यहाँ शंकर के बारे में कहा गया कि उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है। क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें ऐसी क्षमताएं नहीं थी कि वह समय आने पर झुके और समय आने पर उठ खड़ा हो। वो झुक तो सकता था या झुका ही रहता था, कभी
नौकरानी के कदमों पर झुका रहता था, कभी अपने पिता के कुविचारों के सामने नतमस्तक था। तो रीढ़ की हड्डी होती तो जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ वह झुका, ठीक है उससे गलती हो गई तो वो झुका, लेकिन फिर जहाँ उसने देखा कि गलत हो रहा है, मेरे पिता के विचार गलत हैं, वो सही नहीं है समाज के लिए, वो एक अभिशाप की तरह है जो दहेज प्रथा है, या लड़कियों के बारे में ऐसी भावना रखना कि इनका पढ़ा लिखा होना ठीक नहीं है, उनकी शिक्षा का विरोधी होना, ये चीज़ें बुरी हैं, तो वहाँ उसको उठ खड़ा होना चाहिए था, उसको विरोध दर्ज करना चाहिए था कि नहीं ये गलत है, मैं ऐसी ही लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जिसके विचार स्पष्ट हों, जो पढ़ी लिखी हो। तो ऐसा उसने नहीं किया, अर्थात उसमें ये क्षमता ही नहीं थी कि वो किसी के सामने खड़ा हो सके, वह सिर्फ झुक सकता था। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो रीढ़ की हड्डी इस पाठ की जो शीर्षक है यह एकदम सार्थक है, क्योंकि इसमें बात ही यही की गई है कि हर व्यक्ति में रीढ़ की हड्डी होना आवश्यक है, अर्थात उसके अपने विचार होना आवश्यक है, उसमें झुकने उठने की क्षमता का होना आवश्यक है, इसी पर यह पाठ है, इसलिए रीढ़ की हड्डी इसका शीर्षक होना सार्थक है। अगला प्रश्न है, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? इस एकांकी का मुख्य पात्र, मेन जो कैरेक्टर है, जो मुख्य नायक है, वह कौन है, आप किसे मानते हैं? इसमें कई पात्र हैं, रामस्वरूप हैं, गोपाल प्रसाद हैं, शंकर है और उमा है, ये चार लोग इसमें मुख्य हैं, बाकी तो सहायक हैं। तो इन चारों में से अगर आप चुनना हो आपको कि इसमें से आप किसको मुख्य पात्र मानते हैं, तो आप किसे चुनेंगे? जाहिर है आप उमा को चुनेंगे, क्योंकि पूरी एकांकी, पूरी कहानी जो है वो उमा के इर्द गिर्द ही घूमती है। उसके बाद एक तो उमा के इर्द गिर्द कहानी घूमती है, इसलिए हम उसको मुख्य पात्र मानेंगे ही कि इसमें उसी को देखने आ रहे हैं लड़के वाले, उसी के साथ अन्याय हो रहा है, उसी के पढ़े लिखे के होने के बावजूद उससे कम पढ़े लिखे जैसा आचरण की अपेक्षा की जा रही है, उसी के साथ सवाल जवाब किया जा रहा है जैसे खरीदने बेचने की वस्तु हो, तो सब कुछ उसी के साथ हो रहा है। उसके बाद वही अपने ऊपर हो रहे अन्याय का विरोध कर रही है, दूसरा कोई नहीं है जो कर रहा है, ना रामस्वरूप कर रहे हैं ना शंकर कर रहा है, उमा ही अपने ऊपर हो रहे अन्याय का विरोध कर रही है, उमा ही समाज के लिए जो अभिशाप है, जो चीज़ें गलत हैं समाज के लिए, जो परंपराएं गलत है, उनका विरोध करने का हिम्मत दिखा रही है, तो ये कौन करता है? ये एक नायक ही कर सकता है। तो हमारे हिसाब से उमा ही इस एकांकी का मुख्य पात्र है, क्योंकि सब कुछ उसी के इर्द गिर्द है और नायक वाले गुण भी, मुख्य पात्र वाले गुण भी उसी के अंदर दिख रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताएं। चारित्रिक विशेषता का अर्थ हुआ कि किसी भी व्यक्ति के चरित्र में, उसके व्यवहार में, उसकी सोच में, उसके विचार में क्या विशेषताएं हैं। विशेषता का मतलब खूबी नहीं होता है, गुण ही हो ये ज़रूरी नहीं है। कोई लालची है तो वो भी उसके चरित्र की एक विशेषता है। आपने व्याकरण में विशेषण पढ़ा है, काला होना भी विशेषता है, गोरा होना भी विशेषता है, अच्छा होना भी विशेषता है, बुरा होना भी विशेषता है। ठीक है, तो वहाँ गुण नहीं देखना है। चारित्रिक विशेषता का मतलब जो भी विशेषताएं उसके चरित्र में हैं, वो अच्छा भी हैं, बुरा, अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, उनको आपको बताना है कि इन दोनों में क्या क्या चीज़ें थी इनके चरित्र में। तो जो रामस्वरूप थे, उनकी चारित्रिक विशेषता क्या थी? वो आधुनिक विचारधारा के व्यक्ति हैं, वो प्रगतिशील सोच रखते हैं, वो स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं, स्त्रियों के प्रति उनके मन में सम्मान है, इसीलिए वो अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाते हैं। किंतु दूसरी तरफ वो थोड़े कमज़ोर व्यक्तित्व वाले हैं, उनमें साहस की कमी है, समाज के सामने खड़े होने की साहस की कमी है उनमें, अन्याय का विरोध करने की क्षमता उनमें नहीं है, इसीलिए वह अपनी बेटी के उच्च शिक्षा को छिपा रहे हैं।
उनमें इतना बल नहीं था, इतना इतनी क्षमता नहीं थी कि वो डटकर कहते कि नहीं, मेरी बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त है और मैं इसकी शादी किसी उच्च शिक्षा प्राप्त लड़के से ही करूँगा, मैं इसकी शिक्षा को नहीं छुपाऊँगा। ये क्षमता उनमें नहीं थी। तो उनकी विशेषताएँ क्या हुई, वो आधुनिक एवं प्रगतिशील विचारधारा वाले थे, वो स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, उनके अनुसार लड़कियों को भी उच्च शिक्षा का अधिकार था, यही कारण था कि उन्होंने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाई। किंतु वो सामाजिक कुरीतियों के आगे विवश नज़र आते हैं, उनमें इतनी क्षमता नहीं थी, इतना साहस नहीं था कि वह उच्च कुरीति का विरोध करते जिसमें कि लड़कियों के कम पढ़े लिखे होने की बात को माना जाता है, यही कारण था कि वो अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। तो ये हो गए रामस्वरूप। रामगोपाल एक दकियानुषी विचार वाले व्यक्ति थे, वो परंपरागत रूप से चली आ रही कुप्रथाओं को मानते थे, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं चाहते थे, वो लालची भी थे और स्त्री शिक्षा के विरोधी थे, वो स्त्रियों का दमन करने वाले व्यक्ति थे। उनके अनुसार स्त्रियों का काम सिर्फ घर में घर गृहस्थी संभालना होता है, उनको उच्च शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। वह एक बड़बोले किस्म के व्यक्ति थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे लेकिन अंदर से वो एक छोटे विचार वाले व्यक्ति थे। कुरीतियों को दूर करने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी, वह उसके साथ ही चलना चाहते थे। विवाह को वो एक व्यापार मानते थे जिसके अनुसार लड़का वाला बड़ा होता है, लड़की वाले छोटे होते हैं। ये सब उनकी चारित्रिक विशेषताएं थी। लालची थे, ये भी मैंने कहा, तभी वो दहेज वगैरह की बातें दिमाग में रखते थे। दसवां प्रश्न है, इस एकांकी का उद्देश्य क्या है, इस एकांकी का उद्देश्य क्या है, अर्थात आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है, आपको इससे क्या प्रेरणा मिलती है, क्या प्रेरणा देना चाहता है लेखक यहाँ। तो हम कह सकते हैं कि इस एकांकी का उद्देश्य समाज में स्त्रियों की दशा को बताना है। पहला, समाज में स्त्रियों की दशा का सही चित्रण करना है। दूसरा, इसका उद्देश्य यह भी है कि समाज में स्त्रियों की दशा सुधरे, स्त्रियां शिक्षित हों, स्त्रियां आत्मनिर्भर बने और अपनी बात दूसरों के सामने रखने की हिम्मत उनमें आए। उमा के माध्यम से लेखक यहाँ यह उदाहरण दे रहे हैं कि स्त्रियों को अपने ऊपर हो रहे अन्याय का विरोध खुलकर करना चाहिए, बिना हिचकिचाहट के करना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई शर्म नहीं है। तो कुल मिलाकर इसका उद्देश्य यही है कि समाज में स्त्रियों की क्या दशा है यह बताना और उस दशा में सुधार करना, स्त्रियों में यह आत्मविश्वास देना कि अपने ऊपर हो रहे अन्याय का वो खुलकर विरोध करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई हानि नहीं है, इससे समाज का भला होगा, ये उद्देश्य है इसके। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। गरिमा, गर्व, एक सम्मानित स्थान दिलाने के लिए आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं समाज में कि स्त्रियों को एक सम्मानजनक स्थान मिले, लोग उनके बारे में एक अच्छी सोच रखें, उनको सम्मान की दृष्टि से देखें और वो ऐसा क्या करें आपकी मदद से कि उनका समाज में एक अच्छा स्थान बने। तो आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है, किसी के भी पिछड़े होने का मुख्य कारण होता है अशिक्षा। अगर आप पूरी दुनिया की हर समस्या को उठा करके देखिए तो सबके जड़ में अशिक्षा सबसे पहले है। शिक्षित व्यक्ति कभी भी बहुत बुरा जीवन नहीं जी सकता, वो कम या ज़्यादा विरोध ज़रूर करेगा गलत चीज़ों का और अच्छी चीज़ों को अपनाने की कोशिश करेगा अगर उसमें शिक्षा है। तो अगर ये करने लगे तो समाज की
सभी बुराइयाँ ख़त्म हो जाएगी, दुनिया की सभी समस्याएँ कम हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी। आप किसी भी समस्या को उठाकर सोचिए तो उसके जड़ में अशिक्षा ही है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले स्त्रियों की शिक्षा के लिए काम कर सकते हैं। आप कहेंगे हम कैसे काम कर सकते हैं, हम तो खुद छात्र हैं। आप कर सकते हैं, आप अपने घर में अपने आसपास जो भी लड़कियां हैं आपसे छोटी, आप उनकी शिक्षा में मदद कर सकते हैं। आप लोगों को कह सकते हैं कि आप बेटी को स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं, आप इसको भी भेजिए, पहली बात। दूसरी बात, आप उन बच्चियों की मदद कर सकते हैं पढ़ाई में, उनको अगर पूरी सुविधा नहीं मिल पा रही है तो आप जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उससे नीचे के बच्चों की तो आप मदद कर सकते हैं, तो आप लड़कियों की मदद कीजिए, किताबों से उनकी गृह कार्य में मदद कीजिए, उनको जो नहीं आता है उसको बताइए, उनको प्रोत्साहित कीजिए स्कूल रोज जाने के लिए, उनके माता पिता को भी कहते रहिए। कोई भी बच्चा बोलेगा तो ऐसा थोड़ी है कि माता पिता उसके क्रोधित हो के कुछ करेंगे, नहीं, आप बोल सकते हैं शालीनता से। तो आप स्त्री शिक्षा के लिए काम कर सकते हैं ताकि उनको शिक्षा प्राप्त होगी, शिक्षा प्राप्त होगी तो फिर बहुत सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। दूसरा, आप जो पढ़ते हैं उसमें जो महान स्त्रियों की कहानियां आप पढ़ते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, उनका प्रचार कीजिए, उनके बारे में बातें कीजिए लोगों से, ताकि जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनके मन में एक प्रेरणा हो, उनको एक आत्मविश्वास मिले कि हम लोग भी ऐसा हो सकते हैं। इसके अलावा आपको जब भी जहां मौका मिले वहां आप स्त्रियों को प्रोत्साहित कीजिए कि आप ये कर सकती हैं, आपसे ये हो सकता है। तो आप एक पढ़ने वाले छात्र हैं तो आपकी बातें सुनी जाएंगी, आपको कोई सीधा सीधा मना नहीं करेगा, वो आपकी बात सुनेगा क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। तो आप उनकी शिक्षा में योगदान दे सकते हैं, उनको हर जगह प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उनके माता पिता को कह सकते हैं कि इसको स्कूल भेजिए, ये हुआ। इसके बाद आप अपने स्तर से अपने मन में सबसे पहले स्त्रियों के प्रति हमेशा सम्मान रखिए, उनकी इज्जत कीजिए, उनको दुत्कारिए मत। आपसे छोटी कोई बच्ची है तो उसको ये तुम लड़की हो तुमसे क्या होगा ऐसा नहीं कहिए, इसके बदले आप कहिए कि तुम लड़की हो तुमसे सब कुछ होगा, तुम मुझसे आगे निकल सकती हो, इस तरह से आप प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो आप अपने मन में उनके लिए सम्मान लाइए, ये भी बेहद ज़रूरी है। जब आप बड़े होंगे, आपका विवाह होगा, आप विवाह के समय दहेज मत लीजिए, आप अपने माता पिता का विरोध कीजिए, अगर वो चाहते हैं दहेज लेना तो आप कहिए कि नहीं, मैं पढ़ी लिखी लड़की से शादी करूंगा, दहेज नहीं लूंगा। आपके भाई बहनों की शादी होती है उसमें भी आप अपनी बात रखिए, आपके बड़े भाई की शादी हो रही है, आपके चाचा की शादी हो रही है, आप वहाँ बोलिए कि नहीं आपको नहीं लेना चाहिए दहेज। आपकी बहन की शादी हो रही है दीदी की, आप वहाँ कहिए अपने माता पिता को कि आप क्यों दहेज दे के शादी करना चाहते हैं। अगर आपके माता पिता कहते हैं कि नहीं अब हम आपको पढ़ाएंगे, अगर आप लड़के हैं, आपकी दीदी का हो गया यहीं तक या उसको किसी तरह से पास करवा देंगे इधर उधर नाम लिखवा के, आप विरोध कीजिए कि नहीं, जितना मेरा अधिकार है उतना इनका भी अधिकार है, इनको आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो हर जगह हर कदम पर आप काम कर सकते हैं, अपने विचार उच्च रखिए, स्त्रियों के प्रति अच्छा रखिए अपने विचार, उनको सम्मान दीजिए, उनकी शिक्षा के लिए काम कीजिए। ये चीज़ें अगर आपके मन में रहेंगी तो बाकी चीज़ें अपने आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आप उनको उचित गरिमा दिलाने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए, इसका जो प्रश्नोत्तर था वो हमने पूरा कर लिया, बाकी शब्दार्थ मैंने आपको लिखवाया था वो आपने याद किया होगा ऐसी मेरी आशा है, पाठ को आपने पढ़ा होगा समझा होगा।
इसके अलावा भी कोई प्रश्न आपके मन में उठता है पाठ को पढ़ते हुए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो कि आप कभी नहीं करते हैं मेरे कहने के बाद भी, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप उसको पूछ सकते हैं, जिससे कि और आपको स्पष्टता से समझ में बात आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें करना है, प्रश्नोत्तर बनाइए, अपने शब्दों में लिखिएगा। मैंने इसीलिए कोई भी आपको ऐसा नहीं बोला कि आप उसको लाइन बाय लाइन लिख लें, नहीं, आप मेरी बातें समझिए और अपने शब्दों में लिखिए। तो ठीक है, आज इतना ही रखेंगे, धन्यवाद।